भाई कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो तमाम ड्रामा को पार करके नताशा और धवल की शादी हो ही गई। लेकिन इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको देखने को मिलेगा एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो भैया ये सीरियल की दुनिया है। यहाँ पर असली ड्रामा तो शादी के बाद ही शुरू होता है। आखिरकार हो गई इस सुमन माँ की पोती की विदाई, जिस सुमन माँ ने अपनी प्यारी सी गुड़िया को बड़े ही प्यार से, बड़े ही जतन से संभाल के रखा था। आज उसी नताशा की जब विदाई हो रही है तो देखिए सब कितना रो रहे हैं। की शादी के दिन से ही मायके वाले उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनकी सोन चिड़ैया किसी और के आंगन में जाकर चहकेगी। नताशा के भाई भी आज अपनी बहन को विदा कर रहे हैं। बहुत दुख भरा फील हो रहा है। हंसते हंसते बता रहा है। नहीं नहीं आपको आंखें दिख रही होंगी, हम रो रो के परेशान हैं। बहुत ख़राब लग रहा है, ये जा रही है। मैं तो चिढ़ता हूँ वैसे इससे, लेकिन जा रही है तो मेरे को भी ख़राब लग रहा है। आई मिस माय टू क्यूटीज। यस, बहुत दुख तो हो रहा है, क्योंकि सेम मेरी बहन है घर पे, और इसे देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी भी कल जाके शादी होगी, तो सेम सिचुएशन होगी। और मैं ना इसमें मुझे हमेशा मेरी बहन दिखती है, तो मैं सचमुच में बहुत रोना आ रहा था मुझे अंदर से। तो मुझे भी याद दिला दिया, मेरी भी बहन का याद आ गया, तो बहुत मतलब रियलिस्टिक ही हुआ सारा। विदाई का ये सीन तो बहुत छोटा सा है, लेकिन यकीन मानिए थोड़ा सा ना इमोशनल जरूर हो जाओगे जब आप इस सीन को देखोगे। अब यहाँ से नताशा की पंड्यास की जर्नी खत्म होती है, शुरू होगी मकवानास की जर्नी, जहाँ पर उसके राह में कांटे ही कांटे हैं। से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।